आज हम बनाएंगे चिली पनीर। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक बोल में हमने बोनलेस चिकन लिया है 400 ग्राम्स। फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक, एक कप कॉर्नफ्लावर और 2 अंडे। इसको हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे चिकन के साथ। फिर इसको आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इसको बहुत अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। फिर हम इसमें चिकन पीसेस को डालेंगे एक एक कर। एक साइड शैलो फ्राई होने के बाद हम इसको पलट देंगे। चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारा जो चिकन है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फिर इसको एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल कम करके उसमें डालेंगे चॉप्ड किया हुआ लहसुन। बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम मीडियम टुकड़ों में कटेंगे। फिर इसमें डालेंगे नमक। नमक बहुत अच्छे से मिला लेंगे। कैप्सिकम चौथे फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज मीडियम टुकड़ों में कटे हुए। प्याज को भी बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए। इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन। इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। डालेंगे सोया सॉस। इसको भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर सॉस। इसको भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। अगर किसी को थोड़ा सा तीखा पसंद है तो फिर वो चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं डाली। फिर हम इसमें डालेंगे हरा मिर्च। इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। सॉस जब फ्राई हो जाए बहुत अच्छे से तब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को मैंने पानी के साथ घोल के इसमें डाली है। कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होता है, ग्रेवी का जो थिकनेस है वो बहुत अच्छा सा आ जाता है। इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन पकौड़ा। अगर किसी को सूखा सूखा पसंद है तो फिर वो पानी ना डाले। अगर किसी को ग्रेवी पसंद है तो फिर वो पानी डाल के ग्रेवी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाए। पानी को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे विनेगर। को भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर इसको धीमी आंच में 15 मिनट पकाएंगे। देखिए हमारा जो चिली पनीर है ये बिल्कुल बनके तैयार है। तो इसको अब सर्व करें।